क्या रिटायरमेंट फंड पर ज़कात देनी होगी? भाई रिटायरमेंट फंड मैं जानता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या जवाब दूँ। क्या रिटायरमेंट फंड हमारे यहाँ जो सूरत है वो मुझे बताऊँ। हमारे यहाँ प्रोविडेंट फंड कटता है, वो कंपलसरी है, उसमें मुलाजिम का कोई इख्तियार नहीं है, वो ले भी नहीं सकता। जब वो रिटायर होगा तो उसका जितना तनख्वाह में से कटा है वो डबल हो करके एक साथ मिल जाएगा। बस ये जिस दिन मालिक होगा उसके बाद से उस पर ज़कात आएगी। हुकूमत के पास वो रहा उस ज़माने की ज़कात नहीं, क्यों? मुलाजिम का कोई उस पर कब्ज़ा ही नहीं, न वो उसमें से कुछ ले सकता है। अलबत्ता दो सूरतें हैं, एक सूरत यह है इस मुल्क में बाद मुलाजमीन इख्तियारी फंड कटवाते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, क्या फॉर ओ क्या कहते हैं, उसमें जो रकम आपने कटवा रखी उसकी ज़कात हर साल देनी है, क्योंकि उसको वो आपने अपनी मर्जी से कटवाई है, और फिर आप उसको ले भी सकते हैं, पेनल्टी देकर ले लो, पेनल्टी देकर ले भी सकते हो, और आपने मर्जी से कटवाई है तो उसमें जो रकम कटी है उस पर ज़कात आएगी हर साल। और प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट या मुलाजिम मजबूरन कटती है उसमें कोई दखल नहीं होता है, वो कब्ज़े में आएगी, उसके बाद ज़कात शुरू होगी। देखो दारुलूम देवबंद में जब मैं शुरू में आया तो प्रोविडेंट फंड कटता था। क्या प्रोविडेंट फंड के लिए ये ज़रूरी है कि दारुलूम वो रकम जो काटेगा उसे बैंक में रखे और बैंक उसे डबल करेगी इतने सालों में, सूद बढ़ाएगी, वो मुलाजिम को मिलेगा? तो ये तो जायज़ नहीं था। तो फिर दारुलूम देवबंद ने प्रोविडेंट फंड ख़त्म कर दिया, वेलफेयर फंड कर दिया, वेलफेयर फंड किया। मेरी तनख्वाह में से अगर 700 रुपये कटे तो 700 उसमें अभी मिलाकर पे शीट में लिख दिए, गोया अभी से दारुलूम ने बढ़ा दिए, उनको डबल कर दिया। फिर वो मेरा जो 1400 कटे, 700 तो मेरी तनख्वाह में से, 700 दारुलूम ने मिला है, 1400 कटे वो दारुलूम ही में जमा है, बैंक में नहीं, और दारुलूम में जमा है, मेरी बुक है, हर मुहर्रम में वो बुक मुहासबे में जाएगी और मेरा हिसाब लिख कर आएगा कि मेरे इस साल भर में 12 महीने में कितनी रकम कटी और कितना टोटल हुआ। जो टोटल हुआ उसमें से 20% उसमें से 2/3 मैं कर्ज ले सकता हूँ, अपने फंड में से 2/3 कर्ज ले सकता हूँ, और जो मैं कर्ज लूँगा वो 20 किस्तों में रिटर्न हो जाएगा, ताकि वहाँ जमा रहे, जब उसकी मुलाजमत ख़त्म हो तो उसके हाथ में कुछ आए। ये दारुलूम में अब वेलफेयर सिस्टम कर दिया है और ये किताब बना दी है ताकि हर साल अपना देखोगे इतना फंड है उसकी ज़कात दो। तो वेलफेयर फंड पर ज़कात है, प्रोविडेंट फंड पर नहीं। इसी तरह से जो मर्जी से कटाते हो जिसका नाम आपने बतलाया, मैं तो समझता ही नहीं, उस पर ज़कात आएगी इस पर नहीं। फंड की मकदार पता नहीं होती और रिटायरमेंट से पहले पैसे निकालने पर फाइन और टैक्स पेनाल्टी भरनी होती है, ये तो दूसरा हो गया, ये रिटायरमेंट फंड नहीं हुआ, इसने गपला कर दिया सवाल करने वाले ने। ये प्रोविडेंट फंड है जो लाजमन कटता है और उसको ले नहीं सकते, और ये तो वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, 401, ये तो 401 वाला मसला पूछ रहा है, ये रिटायरमेंट फंड नहीं है। ये तो आपने अपने मर्जी से एक रकम कटवाई है, वो इन्वेस्ट होकर बढ़ कर के आपको मिलती है और आपको मालूम है हर महीने आपने कितनी कटवाई है। ये कहना कि मुझे मालूम नहीं है, गलत कहते हो, हर एक को मालूम है, उसके पास कॉपी होनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए। दारुलूम में जो वेलफेयर फंड है तो हर मुहर्रम में हम कापी दाखिल करते हैं और वो उसमें 12 महीने का रकम टोटल लिख कर आती है कि आपकी इतनी रकम दारुलूम के पास है। अब वो किताब देखकर हम उसकी ज़कात देते हैं।
तो ये जो फॉर ओ वन है उसको वो मतलब उसकी ज़कात तो वाजिब है, उसका मालूम है सब। ये कहना कि मैं मालूम नहीं, तूने याद नहीं रखा इसलिए मालूम नहीं, याद रख।